के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 130 बच्चों के दांतों की निःशुल्क जांच इनरवीर क्लब अलवर ने करवाई। क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत ये जांच शिविर प्रिंसिपल कंचन गोयल की सहमति से लगाया गया, जिसमें दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति यादव ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की, साथ ही बच्चों को दांतों को स्वस्थ रखने के तरीकों की जानकारी भी प्रदान की। क्लब सदस्य पुष्पक यादव द्वारा निःशुल्क डेंटल किट बच्चों को वितरित की गई। इस मौके पर अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, पुष्पा यादव, इंदिरा सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित थे। 16 सितंबर को इनरविल क्लब अलवर एवं आईएमए अलवर के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के परिसर में स्थित आईएमए हॉल में महिलाओं में कैंसर पर चर्चा एवं रोकथाम के उपचार पर विचार किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में इंद्रबिल क्लब अलवर के अध्यक्ष अलका मित्तल एवं सचिव शारदा कटारिया तथा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल एवं सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने डॉक्टर निखिल मेहता का स्वागत किया। इंद्रबिल क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आग्रह पर महिलाओं को जागृत करने एचसीजी कैंसर सेंटर जयपुर एवं वागीश मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन डॉक्टर निखिल मेहता अपना कीमती वक्त निकालकर आए। डॉक्टर निखिल मेहता हर माह के तीसरे शनिवार को मित्तल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे रहे हैं। अलका मित्तल ने बताया कि आजकल की दैनिक दिनचर्या में महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर आदि बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है। इसी कारण इस कार्यक्रम के द्वारा विस्तृत रूप से महिलाओं में फैलने वाले कैंसर के कारणों, कैंसर से बचाव के तरीके, उनकी रोकथाम एवं निदान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने अपने अभिभाषण में महिलाओं में बढ़ रहे कैंसर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जितनी तेजी से ये जानलेवा बीमारी महिलाओं में देखने को मिल रही है, उसके पीछे काफी हद तक खानपान में बढ़ रहा मोटापा, पोषण की कमी, एक गतिहीन जीवन शैली, तंबाकू और शराब का सेवन, मोबाइल रेडिएशन मुख्य कारण है। कोशिश करके महिलाओं को इन सभी कारणों से बचना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योगा, पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन आदि विषयों पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर निखिल मेहता ने अपने उद्बोधन में कहा कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वेजाइनल कैंसर, रेक्टल कैंसर बहुत ही आम है। प्रारंभिक अवस्था में यदि कैंसर के लक्षणों का पता चल जाए तो कैंसर का सफल उपचार और जीवित रहने की दर में सुधार बहुत हद तक संभव हो सकता है। स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग द्वारा भी पूर्व में भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान आसानी से की जा सकती है। शरीर में लक्षणों और बदलाव को महसूस करने पर महिलाओं के लिए आवश्यक कि वे अति शीघ्र चिकित्सक से संपर्क करें। अंत में डॉक्टर मेहता ने कहा कि कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूकता और प्रारंभिक पहचान से ही जीवन बचाना संभव है। महिलाओं के लिए ये आवश्यक है कि वह स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे और शरीर में किसी भी असामान्य बदलाव महसूस करने पर डॉक्टर से संपर्क करें। नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने और जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से कैंसर से बचने में और सर्वाइकल रेट में सुधार संभव है। साथ ही उन्होंने इनरविल क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल एवं उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इस नए कार्य के लिए उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। इनरविल क्लब सचिव शारदा कटारिया ने सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में इनरविल क्लब से पीडीसी पुष्पा गुप्ता, अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, नीलू जैन, डॉक्टर सरोज रावत, डॉक्टर आभा सप्रा, पुष्पा यादव, अलका गुप्ता, शकुंतला गुप्ता, प्रतिभा शर्मा, दया गर्ग, वैजयंती, इंदिरा सिंह आदि ने भाग लिया। वहीं आईएमए अलवर से अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल, सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सहित कई चिकित्सक ने भाग लिया। भारत में जो सबसे कॉमन कैंसर है स्तन कैंसर और बच्चेदानी की गुदा कैंसर, सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग उपलब्ध है। स्तन कैंसर की हमारे पास मेमोग्राफी की जांच उपलब्ध है, जो कि हर महिला को 2 साल में एक बार करवानी चाहिए, और ग्रीवाल कैंसर के लिए हमारे पास टेस्ट स्क्रीनिंग उपलब्ध है, जो हर महिला को 3 साल में एक बार लगातार करवाते रहना चाहिए। मेमोग्राफी स्क्रीनिंग 40 साल की शुरू होती है, ग्रीवाल कैंसर टेस्ट स्क्रीनिंग 21 साल में शुरू होता है। और अगर आपने बात करी वैक्सीन की, तो आज की डेट में हमारे पास बच्चेदानी कैंसर नहीं है, उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि पहले जर्मन वैक्सीन आती थी जिसका नाम था डायरासिल, लेकिन विश्व को पिछले डेट पर भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन निर्यात करी है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर 1 सितंबर 2022 को एक खुद की वैक्सीन उपलब्ध की, जिसकी कॉस्ट मात्र 900 रुपये है और पहले इसकी कॉस्ट 5000 रुपये थी। ये वैक्सीन 90% सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख्य कैंसर में कारगर है। देखिए, जो महिलाओं में सबसे जो कॉमन कैंसर है आज की डेट में, वो है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा ग्रीवा या बच्चेदानी मुंह का कैंसर। तो हमें ये जानना जरूरी है कि दोनों कैंसर भारत में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं,
स्तन कैंसर अगर देखें तो एक साल में लगभग 2 लाख केस, और सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी की मुंह के कैंसर एक साल में लगभग 1.25 लाख केसेस मिल रहे हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों कैंसर के प्रति ही हमें यह जानना जरूरी है कि इन दोनों के प्रति हमारे पास हेल्थ चेकअप या स्क्रीनिंग उपलब्ध है, यानी होने से पहले इसको पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज ये भी जानना जरूरी है कि इन दोनों के जो सिम्टम है वो जल्दी पकड़ में आ सकते हैं अगर हमें इसके बारे में नॉलेज हो। तो इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं और पता क्या चलता है कि कैंसर हो रहा है? देखिए, अगर स्तन कैंसर की बात करें तो ज्यादातर लोगों में इच्छा रहती है कि स्तन में कोई दाग हो गई है और दर्द हो रहा है तो हमें दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर महिला अपनी दाग इसमें नहीं दिखाती क्योंकि उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। स्तन कैंसर में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है दर्द रहित दाग, यानी ऐसी दाग जिसमें दर्द नहीं होता। और हम ये सोचते हैं कि कैंसर का मतलब दर्द है, अगर दर्द हो रहा है तो ही कैंसर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दर्द रहित दाग को ही दिखाना जरूरी है, खासकर 40 साल से ऊपर की महिलाओं में जिनमें ऐसी दाग होती है, उन्हें अपने डॉक्टर को आसपास कोई लेडीज डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है उसको दिखाना आवश्यक है। उसी प्रकार से अगर बच्चे दाने के मुंह के कैंसर की बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है बच्चे दाने के मुंह से खून आना या फिर सफेद पानी आना या फिर वहां पर गांठ महसूस होना। तो इसका इलाज संभव है या क्या है? देखिए, दो महिलाओं की जो सबसे कॉमन कैंसर अगर हम बात करें जिसका जो आज चर्चा का विषय भी है, जो कि स्तन कैंसर और ग्रीवा का कैंसर है, स्तन कैंसर के लिए जो सबसे मुख्य इलाज है, अगर ये कैंसर पहली या दूसरी स्टेज में मालूम पड़ जाता है तो इसका मुख्य इलाज सर्जरी रहता है, यानी स्तन को पूरी तरीके से रिमूव करना, या फिर आजकल नई टेक्निक है जिसमें हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी बोलते हैं, स्तन को बचाकर भी छोटे दांत को निकालकर अलग से चीरा देकर भी हम स्तन के कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये एक एडवांसमेंट भी आ चुकी है। और इसी प्रकार ग्रीवा कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो उसमें भी एडवांसमेंट आ चुकी है, उसको भी हमें सर्जरी करके शुरुआती स्टेज में निकाल देते हैं तो पूरे तरीके से कैंसर को खत्म कर सकते हैं। बच्चे, ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है ये 9 से 25 साल की उम्र में लग जानी चाहिए, और इसके 2 डोज होते हैं जो कि 6 महीने के अंतराल में लगते हैं। और अगर इसकी इफेक्टिवनेस की बात करूं तो अगर वैक्सीन लग जाती है इस उम्र में तो 90% चांस है कि हम सर्वाइकल कैंसर या बच्चे दाने के मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। तो जिनकी उम्र 25 से ऊपर हो गई है उनके लिए जैसे कि मैंने बात करी, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। हर 21 साल से उम्र की महिला को सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिसको हम पैप्सोलॉजी बोलते हैं, जो कि 3-3 साल में एक बार रिपीट होती जाना चाहिए जब तक उसकी उम्र है। ये जैसे आपने जागरूकता कहा तो वो जागरूकता के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है कि महिलाओं में, जेंट्स में, और आपके माध्यम से सभी लोगों को जागरूक हो सभी लोग। और मैं डॉक्टर निखिल मेहता को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समय निकाल के, हालांकि आज बारिश भी हो गई, वो लेट भी हो गए, पर फिर भी बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा। रिस्ट्रेंट जरूर कम रही पर आपके माध्यम से ये सभी को न्यूज जाएगी, जागरूकता होगी सब में कि वो अवेयर हो कैंसर के प्रति। जिसमें नहीं है कैंसर, जरूरी नहीं कि हर एक में हो, पर वो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत जरूरी है। जो इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जो टेस्ट है ये रेगुलरली चेकअप हमारे हो तो हम काफी बच सकते हैं। और जो हमारे डाइटरी हैबिट्स है बच्चों को, जो आजकल हमारे माता पिता कर रहे हैं कि उनकी इच्छा हर एक पूरी करते हैं कि पास्ता नूडल्स ये सारी वेस्टर्न चीजें उनको रेस्ट्रिक्ट करें, खिलाएं थोड़े। जैसे हमारी भी बिटिया थी तो हम पहले उसको रोटी खिलाते थे, उसके बाद उसे नेचुरली की भूख कम लगेगी तो कम खाएगी। तो बच्चों को पहले और हेल्दी सारी चीजें खिलाएं और उसके बाद थोड़ी मात्रा में ये चीज खिलाएं तो फिर भी चीजें नुकसान नहीं करेंगी। और कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ में बहुत नुकसानदेह है तो इनसे भी बचना चाहिए। हमें हमारा भारतीय फूड ही बहुत अच्छा है, उसमें तरह तरह की वैरायटीज खिलाएं। तो वही मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब सतर्क हो, सावधान हो, आगे के लिए अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद। आज ये डिनर ग्रीन क्लब अलवर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर की ओर से डॉक्टर मिथुन मेहता, जो वरिष्ठ कैंसर सर्जन है जयपुर से एसपीजी हॉस्पिटल में, उन्होंने महिलाओं के कैंसर के बारे में जागरूकता है उसके बारे में योगदान दिया। और जो सबसे जो कॉमन कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर,
कितना ज्यादा कॉमन है और कैसे हम इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे इनका बचाव कर सकते हैं, क्या क्या इनके डायग्नोसिस में कोई फायदा है और कैसे कैसे इनको जल्दी हम भी पकड़ सकते हैं तो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई बहुत विस्तृत रूप से। और यहाँ इनोवेट क्लब के कम से कम 30 मेंबर्स उपस्थित थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और ये बहुत अच्छा सेशन रहा। ये इनका एक कार्यक्रम है जागरूकता फैलाने के लिए, बच्चों में जो कैंसर्स हैं उनकी जागरूकता के लिए, और जो लाइफ स्टाइल के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत सारे कैंसर्स, हम 70% कैंसर हमने अपनी लाइफ स्टाइल को, जैसे तनाव नहीं खाना, शराब नहीं पीना, रोज व्यायाम करना, हाई फाइबर डाइट लेना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बजाय जो 30% के कैंसर जो हम रोक ही नहीं सकते, वो एक तरह से नेचुरल है या उनका कोई कारण नहीं पता, और जो कारण हमें पता है कि हम बच्चों से फास्ट फूड के लिए हम जो प्रेरित करते हैं या अवॉइड नहीं कराते, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, और अलवर में खासतौर से जो उन्होंने बताया कि अलवर में तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो गुटखे के रूप में हो, स्मोकिंग के रूप में हो, और उससे मुंह के कैंसर भी बहुत अधिक होता है। तो बहुत विस्तृत जानकारी दी, और मुंह के कैंसर को हम यदि स्मोकिंग छोड़ दें या तंबाकू छोड़ दें या गुटखा छोड़ दें तो उससे बहुत सारी चीजों से हम बचाव कर सकते हैं, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होता है। तो यही आज डॉक्टर मिश्र मेहता ने बताया, और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मिश्र मेहता का और पूरी एनुअल मीट के सभी सदस्यों का, यार बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा रहा आज ही माहौल में, और ऐसे ही हम और कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर निखिल मेहता की जो सेवाएं हैं मित्तल हॉस्पिटल में हर माह के तीसरे शनिवार को उपलब्ध होती हैं, तो सभी नागरिकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो सेवा का लाभ उठाएं, और इस तरह के कार्यक्रम भी हम समाज के लिए करते रहेंगे, जिससे लोगों को अवेयरनेस का हम उसका प्रचार करते रहें और लोगों को पता लगे कि कैंसर